हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजू पांडे अर्बन गार्डनिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मानसून का सीजन चल रहा है। मानसून में बारिश तो खूब होती ही है, 3 महीने लगभग खूब बारिश होती है, और सावन भादों का महीना तो बारिश के लिए मशहूर है। बरसात का पानी पाकर मेरे प्लांट्स एकदम खुश हो जाते हैं। देखिए कितनी फ्लावरिंग हो रही है। मेरा रेन लिली देखिए, ये देखिए देसी विंका, ये देखिए कोचिया के प्लांट, ये देखिए इसमें अपराजिता में, सफ़ेद कलर की अपराजिता में कितनी फ्लावरिंग हुई है। सफ़ेद विंका भी देसी, ये सब कितनी फ्लावरिंग। ये सब बरसात के पानी का कमाल है। बरसात का पानी हमारे पेड़ पौधों के लिए समझो अमृत के समान होता है। धरती भी तर हो जाती है बारिश का पानी पाके। जो बीज कभी नहीं जमते, नीचे जमे रहते हैं, बैठे रहते हैं, दबे रहते हैं, वो भी बारिश का पानी पाके ग्रो हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी कहते हैं किसी चीज़ की अधिकता भी बहुत ख़राब होती है। जब लगातार पानी बरसता है तो हमारे गमलों में काफ़ी पानी इकट्ठा जा, कई दिन उसमें गीला रहने के कारण, ज़्यादा पानी इकट्ठा होने के कारण कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करता है पानी। हमारे प्लांट्स में फंगस लगने लगते हैं, मिट्टी में ऊपर काई जम जाती है, जिससे कि मेरे प्लांट खराब होने लगते हैं। और तो पानी में जितने भी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो हम महंगी से महंगी खाद बना के, फर्टिलाइज़र ला के उनको नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं जो बारिश का पानी देता है। लेकिन कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो गीलापन रहने से हमारे गमलों में काई जम जाती है, फंगस लगने लगता है, और कुछ प्लांट्स तो हार्डी प्लांट्स होते हैं जिन पर कि ज़्यादा असर नहीं होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स हमारे होते हैं जो उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे मेरा ये हाइब्रिड विंका का एक प्लांट मैं कई वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। इतना बढ़िया फ्लावरिंग, पूरा गमला भर के मेरा फ्लावरिंग करता था, लेकिन उसकी सारी ब्रांचेज जो हैं सूख गई और फंगस से ख़राब हो गई। ये देखिए, ये देखिए, बस केवल मैंने सब कट कर दिया। ये देखिए, यहाँ से बस केवल एक ब्रांच बची है और इसमें नाम मात्र की फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये देखिए, नन्हे नन्हे इसकी सीडलिंग अपने आप, जो सीड गिरे थे, तैयार हो रही है। तो इसको मैं अपने पॉट में लगा लूँगी तो मेरे पास फिर प्लांट मुझे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उस फंगस से बचने के लिए हम एक घरेलू और जो है मुफ्त का फंगीसाइड आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि बहुत ही आसानी से पाया जा सकता है। और वो हमारे प्लांट्स पर फंगीसाइड का काम तो करता ही है, फंगस को मिटाता ही है, साथ साथ वो फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और पेस्टिसाइड का भी काम करता है। उसको आप कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। वो है ये वुड ऐश, लकड़ी की राख। लकड़ी की राख बहुत ही आसानी से पाई जा सकती है। अगर आप शहर में रह रहे हैं, नहीं वो है तो आप लिट्टी चोखा, हर चौराहे बनता लिट्टी चोखा वालों से पा सकते हैं, होटल वालों से। अगर नहीं संभव है तो थोड़ी सी लकड़ी मंगा के तवे पे या लोहे की कड़ाही में जला दीजिए और राख बन के तैयार हो जाएगी। तो हम इसको, लकड़ी की राख को जो है अपने जिस प्लांट पे, जैसे मैंने सपोज कीजिए मुझे इस पर यूज़ करना है, तो इस तरह से पहले खुरपी से खूब बढ़िया से गुड़ाई कर लें। ये देखिए, इस तरह से गुड़ाई कर लें और फिर एक चम्मच
ये वो ड्रेस लेके और इसमें आप ऐसे 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 डाल के ये कुछ ज़्यादा कम हो जाए तो भी कोई ऑर्गेनिक है, कोई ये नुकसान नहीं करेगी। इस तरह से आप इसमें अपने इसमें डाल दीजिए और फिर उसको मिट्टी में इस तरह से मिला दीजिए और इसको एक दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये सारी जो है फंगस को मिटा के और थोड़ी बहुत नमी भी सोखेगा और थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा। इसको इस तरह से आप एक चम्मच से दो चम्मच डेढ़ चम्मच हो जाए तो भी, ये हमारी मिट्टी को अल्कलाइन भी बनाता है, हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी ठीक करता है। और ज़्यादा लगा हो तो आप पहले पौधों पे पानी छिड़क दीजिए, गीला हो जाए, फिर उनकी पत्तियों में इस तरह से डाल दीजिए तो कोई वो पेस्टिसाइड वगैरह भी नहीं लगते हैं। ये हर दशा में तीनों चीज़ का काम करती है उड़ेस। हम लोग बचपन में देखते थे आंगन के कोने में माँ की किचन गार्डन होता था तो वो कभी भी जो है किसी चीज़ का उपयोग नहीं, बस यही राख उनकी कद्दू की बेल लौकी की बेल हुआ करती थी, उस पर यही राख डाल देती थी और वो उसका फर्टिलाइजर और फंगीसाइड और पेस्टिसाइड सब काम करता था और बीच बीच में अपने चावल दाल धुलती उसका पानी डाल दिया करती थी। कितने कद्दू और लौकी फलती थी कि पूरा गांव खाता था। आज हम लोग उस चीज़ को अपना रहे हैं, वो ऑर्गेनिक है और इसको ये इस तरह से भी उपयोग किया जा सकता है। और इसको एक लीटर पानी में एक चम्मच डाल के घोल के जब मिट्टी सूखी हो तब, जैसे हमारी मिट्टी गीली है इसमें नहीं प्रयोग करेंगे, अगर मिट्टी सूखी है तो एक लीटर पानी में एक चम्मच राख घोल के और आप प्लांट में डाल दीजिए। इस तरह से उपयोग करके उडैस का, जिसे लकड़ी की राख का उपयोग करके हम अपने गार्डन में अपने प्लांट्स को फंगस से बचा सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने जानकारी के अनुसार आपको बता दिया। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।